दोस्तों अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि जीआई पाइप को किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है, कहाँ पर किस जगह पर कौन से सामान का यूज किया जाता है प्रॉपर सही से फिटिंग करने के लिए, ताकि लीक भी ना हो और दोस्तों हमारे बदनामी भी ना हो और काफ़ी अच्छे प्रकार से हम जीआई पाइप के फिटिंग भी कर लें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे आज की इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये पाइप फिटिंग करने से पहले दोस्तों हम लोग इन सामान का नाम जान लेंगे। दोस्तों इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा चीज़ बता दे रहा हूं। इन सामान का नाम दोस्तों ये वाले आप देख रहे हैं, ये दोस्तों इसे निप्पल कहा जाता है, मतलब पाइप का एक टुकड़ा होता है और दोनों तरफ दोस्तों इसमें चूड़ी बनाया होता है। उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला टी पॉइंट कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों हर साइज आते हैं, इसमें भी हर साइज का मिल जाता है आपको। और दोस्तों ये वाला हमारा एल्बो है, इसको दोस्तों बहुत लोग बैंड भी कहते हैं। ये वाला आप देख रहे हैं, ये एंड कप है और ये सारे निप्पल है, ये भी दोस्तों हमारा बैंड है, मतलब कि एल्बो है। इसमें दोनों तरफ के अलग अलग साइज आप अगर अपने ज़रूरत के तहत लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये वाला आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर अलग साइज है और इधर अलग साइज है, तो इसको रिड्यूसर कहा जाता है। आगे मैं आपको इसके बारे में अच्छे प्रकार से समझाऊँगा। इसमें दोनों तरफ दोस्तों अलग अलग साइज होते हैं, कहीं साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। दोस्तों अगर दोनों तरफ बराबर रहे तो इसको सॉकेट भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका दोनों तरफ साइज बराबर है तो इसको सॉकेट कहते हैं। और ये बाकी सब दोस्तों ये वाला हमारा एनआरबी वाल है, कहीं टंकी से पानी उठाना होता है मोटर से दोस्तों, तो हमें ये चीज़ लगाना होता है तभी दोस्तों हम टंकी से पानी उठा सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों ये वाला हमारा पाइप रिंच है, इसके द्वारा दोस्तों हम इस पाइप को टाइट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ये वाला दोस्तों हमारा एमसील है, जो कि प्लम्बर एमसील भी कहा जाता है, बहुत लोग सफ़ेदा भी कहते हैं और बहुत लोग सुलेशन भी कहते हैं, हर तरह के लोग अलग अलग नाम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी फिटिंग हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मान के चलिए कि जब आप ये पाइप खरीद के लाते हो और आप दोस्तों उसका पाइप दोस्तों उस पाइप को आपको 40 फुट का लेंथ बनाना है, तो आप किस प्रकार से 40 फुट का लेंथ बनाओगे। तो दोस्तों 40 फुट का लेंथ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों मान के चले कि ये हमारा 20 फुट, ये 20 फुट का हमारा पाइप है और दोस्तों हमें इसे जोड़ कर 40 फुट लंबा करना है। तो इसको दोस्तों जोड़ने के लिए हम इस प्रकार के एक सॉकेट का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर धागा अच्छे प्रकार से लपेट देंगे, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों हमने धागा लपेटा है सामने का दो चूड़ी को छोड़कर और धागा पेट के दोस्तों, और ये वाला प्लम्बर एमसील को लगा देंगे अच्छे प्रकार से। और लगा के दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें इधर से टाइट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से टाइट कर देंगे, और जो दूसरे वाला पाइप है उसको एक तरफ टाइट कर देंगे। और टाइट करके दोस्तों ये वाला जो पाइप रिंच है, इस पाइप रिंच से अच्छे प्रकार से इसको टाइट कर देंगे ताकि हमारा लीक ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पाइप की लेंथ भी बढ़ा सकते हो जोड़कर। दूसरा दोस्तों जब बड़ी लेंथ किया जाता है तो उसमें दोस्तों यूनियन भी लगाया जाता है, ताकि हम कभी बीच बीच में से अगर खोलना चाहें तो उसे खोल सके। तो आप यूनियन ज़रूर यूज करना, मेरे पास अभी यूनियन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक यूनियन है मेरे पास जो कि दोस्तों जीआई में नहीं है और दोस्तों सीपीवीसी में है। दोस्तों कंप्लीट यूनियन नहीं है, ये वाला हमारा पास है। ऐसा ही दोस्तों एक दूसरे तरफ होता है कैप सा, ताकि हम इस प्रकार से लाकर और इस पर टाइट कर लें, ताकि जब भी हमें पाइप को खोलकर, मतलब जो हमने लंबी लेंथ किया है, तो बीच बीच में दोस्तों एक यूनियन लगा के भी जोड़ सकते हैं, ताकि पाइप हमें कभी अलग करना हो तो दोस्तों हम अलग कर लेंगे। दोस्तों आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा यूनियन का फोटो, तो उसे भी दोस्तों हम पाइप को ज्वाइंट कर सकते हैं, ताकि कभी खोलना हुआ तो आसानी से दोस्तों यूनियन खोल लेंगे तो पाइप हमारा अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमने ये चीज़ आपको बता दिया। दूसरा होता है दोस्तों किसी कॉर्नर से हमें अगर पाइप को घुमाना हो तो हम क्या यूज करेंगे। दोस्तों कॉर्नर से पाइप को घुमाने के लिए ये वाले हम यूज करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम अभी यहाँ से सीधा जा रहे हैं और पाइप को हमें इस तरफ घुमाना है, तो पाइप को उस तरफ घुमाने के लिए क्या करेंगे, ये हमने सीधा लाइन लेके चले आए और यहाँ से दोस्तों हमें इधर को लेके जाना है, तो अब इस टाइप का दोस्तों एल्बो का, मतलब कि बैंड का, आप कुछ भी कह सकते हो, ऐसे बैंड हम लोग यहाँ पर लगा के और पाइप को टाइट कर देंगे धागा सफ़ेदा लगा के अच्छे प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो पाइपलाइन है वो दोस्तों आप जिधर मर्जी उधर घुमा सकते हो। अब मान के चलिए कि आपने इसको इधर घुमा दिया, आप इधर घुमाने के बाद दोस्तों आप चाहते हो कि मैं इसको इधर की तरफ लाऊं या इधर की तरफ लाऊं, तो फिर से आपको दोस्तों एक
एल्बो का यूज करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला एल्बो का यूज करके आप इधर भी ले जा सकते हो और कनेक्शन को इधर भी गिरा सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों कॉर्नर घुमाया जाता है पाइप की। और दूसरा चीज़ दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि मान के चलिए कि आपने सारे पाइप फिटिंग किए और जगह जगह में आपको दोस्तों टोंटी भी लगाना है इस प्रकार के, जैसे कि आप ये देख रहे हैं टोंटी लगाना है। तो दोस्तों जितने टोंटी आती है उन सारों का दोस्तों साइज हाफ इंची का होता है। और ये दोस्तों मान के चलिए कि आप ये पाइप एक इंची का लेके जा रहे हैं तो हाफ इंची में टोंटी कैसे लगाएंगे, तो उसके जगह में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के रिड्यूसर को यूज करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ एक टोंटी लगाने हैं और ये हमारे पाइप एक इंची की या पौना इंची की है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से रिड्यूसर टाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग टोंटी को फिट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हमारे टोंटी लग गए और यहाँ पर दोस्तों ये वाला ये हमारा पाइप है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पाइप को लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर बड़ा साइज है लेकिन ये टोंटी का साइज आधा इंची है, तो हमने रिड्यूसर लगा के यहाँ पर टोंटी लगा दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों टोंटी का कनेक्शन होता है। किसी भी जो भी प्लम्बर का काम होता है दोस्तों उसमें इस प्रकार से टोंटी हम लोग लगाते हैं ताकि पाइप का हमारा साइज कोई भी हो लेकिन हम लोग रिड्यूसर लगा के उसके सामने का साइज को छोटा कर देते हैं। उसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर एल्बो का भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी कॉर्नर में टोंटी लगाना हो तो देखिए दोस्तों ये वाला जो हमारा एल्बो है इसके साइज बड़े हैं और इसके साइज छोटे हैं। दोस्तों इसके साइज छोटे इसलिए होते हैं कि बहुत जगह हर जगह अलग अलग ज़रूरत होती है एप्लीकेशन में, तो हम लोग इस प्रकार के भी एल्बो का यूज करते हैं ताकि हम लोग इधर में टोंटी का साइज बना लें और इधर में दोस्तों पाइप का साइज बना लें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा टोंटी का साइज आधा इंची है लेकिन ये वाला पौना इंची है। तो इस प्रकार से भी आप दोस्तों टोंटी फिट कर सकते हो। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप दूसरा चीज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा एक पाइप में सप्लाई मतलब कि पानी आ रहा है और हमें कनेक्शन दो तरफ को लेके जाने हैं, तो उसके लेकर आप क्या करोगे दोस्तों, इस प्रकार के एक टी का यूज करोगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये हमारे इनपुट पाइप हो गए, यहाँ दोस्तों टंकी से पानी आ रहा है और हमें दोस्तों एक इधर को कनेक्शन लेके जाना है, एक इधर को कनेक्शन लेके जाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों टी को टाइट करोगे अच्छे प्रकार से धागा सफ़ेदा लगाकर, और टाइट करने के बाद आप क्या करोगे कि इधर एक ऐसे घुमा दोगे, ये हमारा आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये इस प्रकार से टाइट करके दोस्तों आप एक तरफ लाइन घुमा दिए। उसी प्रकार से दोस्तों इधर में एक पाइप लगाकर दूसरी तरफ भी आप घुमा सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों एक इनपुट पाइप से दो आउटपुट कनेक्शन ले सकते हैं इस टी के मदद से, इसीलिए दोस्तों हम लोग टी यूज करते हैं। अब मान के चलिए कि दोस्तों आपको अभी दूसरे पाइप नहीं घुमाना है, नहीं कहीं आउट करना है, तो उसके लेकर आप क्या करेंगे, पार्टी कहता है कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ देना ताकि हम कभी भी कहीं भी अपना यहाँ से जोड़कर आगे को पानी का सप्लाई लेके जा सके। तो आप इसी प्रकार से दोस्तों टी का यूज करेंगे और जिधर में रिक्वायर्ड है उधर में पाइप डाल देंगे और इसको दोस्तों यूँ ही छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि ये वाला जो एंड कप है, एंड कप से दोस्तों इसकी जो आउटपुट सप्लाई है मतलब पानी के सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। इस प्रकार से एंड कप ला के यहाँ पर बंद कर देंगे तो पानी यहाँ तो आएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, बंद रहेगा और इधर को हमारा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एक इनपुट पाइप से दो आउटपुट कनेक्शन भी ले सकते हैं टी के मदद से। दोस्तों इन सारे पाइप को फिटिंग करते हैं, जब फिटिंग करने के बाद दोस्तों इसी प्रकार से पाइप रिंग से टाइट करते हैं अच्छे प्रकार से, ताकि धागा भी ताकि दोस्तों हमारा पानी लीक ना हो। और दोस्तों धागा उसी हिसाब से आपको लपेटना है ताकि ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो टाइट करते करते पता चलेगा कि ये वाला जो एल्बो है या टी है या यूनियन है, सॉकेट है, कुछ भी है, वो फट ना जाए। तो दोस्तों धागा आपको उसी हिसाब से इसमें लपेटना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा धागा है, सामने का दो चूड़ी है और थोड़ा पीछे को थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि जब हम टाइट करेंगे ना तो हेवी टाइट होगा, पकड़ होगा और लीक होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने बताया कि मोटे मोटे चीज़ पाइप किस प्रकार से फिटिंग की जाती है। कहीं कहीं दोस्तों हम लोग ये वाला भी निप्पल को यूज करते हैं, इसको हैक्स निप्पल कहा जाता है। और दोस्तों ये वाला जो रिड्यूसर है, इस रिड्यूसर को दोस्तों हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कहीं भी मान के चलिए कि हमारा इनपुट
जो पानी का पाइप है वो मोटा है, लेकिन आगे में दोस्तों हमें हेवी प्रेशर के लिए पतला पाइप लेके जाना है, तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोग ये वाला रिड्यूसर को यूज करते हैं, ताकि हम पानी का प्रेशर को हेवी बने रहने के लिए जो हमारा इनपुट है उसमें थोड़ा मोटा पाइप लगा दिए, लेकिन जो आउटपुट है उसमें थोड़ा पतला पाइप लगा दिए। उससे लगाने से क्या होता है कि आपके जो पानी का फ्लो रहेंगे, प्रेशर रहेंगे, वो थोड़ा हेवी प्रेशर रहता है और ज़्यादा प्रेशर रहता है इसके वजह से। जैसे कि दोस्तों इनपुट में हमने दोस्तों यहाँ पर पौना का दे दिया और आगे को दोस्तों हमने आधा का दे दिया, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो पानी का प्रेशर है ना थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस पाइप के मुकाबले। इस पाइप में पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इधर से पानी आ रहा है ज़्यादा और यहाँ पर निकल रहा है कम, तो दोस्तों कम निकलेगा तो प्रेशर से निकलेगा। तो इस प्रेशर को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग इस प्रकार से फिटिंग करते हैं कि इनपुट में थोड़ी मोटी देते हैं और जो आउटपुट होता है उसमें दोस्तों थोड़ा पतला पाइप दे देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें टोटी देना होता है कहीं पर, तो इस प्रकार से हम जोड़ दिए, जोड़ने के बाद यहाँ पर एक सॉकेट लगा देंगे और इस प्रकार से हम लोग सॉकेट लगा के फिर यहाँ पर टोटी लगा देंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो टोटी में पानी गिरेगा वो काफ़ी हेवी प्रेशर से पानी गिरेगा। तो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों फिटिंग किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और अपने दोस्तों साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।